ट्रेन में यात्रा करना किसको नहीं पसंद, आपको भी पसंद होगा और मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन क्या हो जब ये ट्रेन यात्रा ही बहुत डरावना बन जाए, इतना डरावना कि हमारा जो दिल है वो हमारे मुंह तक आ जाए। सो आज हम भी इसी तरीके के ट्रेन रूट्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि बेहद खतरनाक और रोमांच से भरे हुए हैं। सो लेट्स किक ऑफ। अर्गो ग्रीडी ट्रेन रेल रूट इंडोनेशिया पर। यह ट्रेन खास तौर पर टूरिस्टों के लिए ही बनाई गई है। अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा नेचर का अनुभव होगा, क्योंकि यह ट्रेन बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए कुछ चाय पत्तियों के खेतों में और गेहूं चावल के खेतों से गुजरती हुई जंगलों को चीरती हुई जाती है। लेकिन डर तो तब लगता है जब ये ट्रेन ब्रिज से जब ये ट्रेन गुजरती है, तब यात्रियों के होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर सा लगने लगता है। यार ब्रिज इतना ऊंचाई पे है कि यात्रियों को खिड़की से बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं होती। यह रूट जितना रोमांच भरा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस रूट पर ओसो मिनामी रूट जापान। यह रूट जापान के कुछ द्वीपों को जोड़ता है जापान से। जब यात्री इस ट्रेन में सफर करते हैं और पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस जगह का नज़ारा भी बहुत अच्छा होता है। यह ट्रेन वैसे ही पहाड़ों पे से गुजरती है, लेकिन इस ट्रेन की बुरी बात यह नहीं है, यहाँ पे पहाड़े तो हैं लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ब्रिज मौजूद है जो कि देखने में नाजुक सा लगता है, और यह ब्रिज नाजुक भी है। इस ब्रिज पर ट्रेन बहुत स्पीड जब ट्रेन इस ब्रिज से गुजरती है तब यात्रियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका दिल उनके मुंह में आ जाता है। कोई भी यात्री इसे खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस जगह पर ड्राइवर की एक छोटी सी गलती ट्रेन को खाई में गिरा सकती है, लेकिन सिर्फ यही एक इसकी बुरी बात नहीं है या तो डेंजरस बात नहीं है। यह रूट जिस जगह पर मौजूद है वह जगह एक्टिव वोल्केनो के पास है जो कि कभी भी फट सकता है। इसका कोई चांस नहीं है कि यह वोल्केनो कब फट जाए। जॉर्ज टाउन लूप रेलवे रोड यूएसए। वैसे तो यह रेलवे रूट बहुत ही पुराना है। सन 1800 के मध्य में यह ट्रेन शुरू की गई और इस ट्रेन का काम चांदी की खदानों से चांदी को ले आने का था। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ 100 सालों के बाद 1970-73 के दशक में अमेरिकी सरकार को यह लगा कि यह जगह टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्शन का कारण बन सकती है, क्योंकि यहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। तब उन्होंने इस रेलवे रूट को रिकंस्ट्रक्ट कराया और फिर से इस रूट पे ट्रेन दौड़ाई। लेकिन इस बार यह ट्रेन यात्रियों के लिए थी, ना कि चांदी और सोने के। जब ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि इस जगह का नज़ारा ही इतना अच्छा होता है। इस जगह पर बहुत घनी वादियाँ हैं और जंगलों के बीच से जब ये ट्रेन गुजरती है तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन डरावनी बात तब सामने आती है जब ये ट्रेन एक ब्रिज से गुजरती है। यह ब्रिज पे ऐसा लगता है कि ट्रेन अभी गिर ही जाएगी, क्योंकि इस ब्रिज पर हमेशा इतनी तेजी के साथ हवाएं चलती रहती है कि कभी भी ट्रेन को गिरा सकती है। इसी कारण से इस ब्रिज पर ट्रेन को अपनी स्पीड बहुत धीमी करके चलना पड़ता है। जब यह ट्रेन इस ब्रिज पर चढ़ती है तब यात्रियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खिड़कियों के बाहर देखने की वह हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें हर पल यह डर लगा रहता है कि ट्रेन अब गिर जाएगी नीचे। व्हाइट पास एंड योंग रूट अलास्का यूएसए। इस रेलवे रूट को क्लिंग टू क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। यह रेलवे रूट 1898 के दशक में बनाया गया था। इस ट्रेन के रूट को खास तौर पर थ्रिल सेकिंग टूरिस्टों के लिए ही बनाया गया है, तो अब आप समझ ही सकते हो कि यह कितना खतरनाक होगा। लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी तो यह टूरिस्टों के लिए नहीं बनाया गया था, यह गोल्ड फील्ड की माइनिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके का इसका सफर होता है वह बहुत ही डरावना और चौंका देने वाला होता है। जैसे कि पहले ही इस सफर में क्लियर हो जाता है कि यह रूट खासकर थ्रिल टूरिस्टों के लिए बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सफर बहुत खतरनाक होगा। यह ट्रेन तो असल में पहाड़ों पे भी नहीं बनी है, पहाड़ों के साइड में ब्रिजेस जैसा लगा के बनाया गया है, जिसका नज़ारा आप अगर इस ट्रेन पे बैठे और देखते हो तो आप देख भी नहीं पाओगे, आपके वहीं पे
रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत ही आप डर जाओगे। इसका नज़ारा बहुत रोमांचक होता है। यहाँ पे बहुत से थ्रिल करने वाले लोग भी बाहर देखने की हिम्मत नहीं करते। यह तो बाकी सब जो पहले आए हैं ट्रेन रूट उनसे भी खतरनाक लगता है। इस रूट पर एक छोटी सी चूक ट्रेन को बहुत नीचे खाई में गिरा सकती है। यह ट्रेन जिस तरीके से चलती है उस तरीके से अगर आप दूर से खड़े होके भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह ट्रेन आपकी तरफ गिर जाएगी। तो आप सोचिए इसमें बैठने वाले यात्रियों का क्या हालत होता हो। ट्रेन एलास नूप्स अर्जेंटीना। इस रूट को ही कंप्लीट होने में 27 साल से ज्यादा का समय लग गया। इस रूट में जिगजैग और स्पाइरल ट्रैक भी हैं। और तो और यह रूट 21 टनलों से पास होती है और 13 ब्रिजेस से पास होती है। इस रूट की जिगजैग रूट्स और इतने सारे ब्रिजेस इस रूट को बहुत ज्यादा ही खतरनाक बना देते हैं। और तो और जबकि यह माउंटेन पे है इस वजह से यह भी इतने संकड़े रास्ते से गुजरती है, इतने शार्प एजिस से गुजरती है कि देखने वाले का क्या हाल होता होगा वह तो आप उसी से पूछो तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यकीन मानिए वह अपने शायद होश भी खो बैठे, इतना रोमांच भरा नज़ारा दिखता है। देन फ्रेंड्स अब इंडिया का एक रूट आता है, चेन्नई रामेश्वरम रूट। यह रूट रामेश्वरम को चेन्नई से जोड़ता है। रामेश्वरम वही जगह है जहाँ पे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इस रूट में तकरीबन 2 किलोमीटर का सी आता है जिसपे ब्रिज बनी हुई है। उस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। यह ब्रिज की खास बात यह है, डरावनी बात यह है कि यह ब्रिज सी के जस्ट 1 से 2 फुट की ऊंचाई पे ही है। कभी भी यहाँ पे सी की लहरें थपेड़े मार के ट्रेन को गिरा भी सकती है। इस रूट से जब ट्रेन गुजरती है तब यात्रियों को ऐसा लगता है कि अब उनकी ट्रेन जो है समुद्र में गिर ही जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी गलती ट्रेन को समुद्र में डुबा सकता है। इस ट्रेन को अगर आप लोग बाहर से देखोगे दूर से तो आपको कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स जब आप इसमें बैठ के सफ़र करोगे तब आपको असली अंदाज़ा लगेगा कि इस ट्रेन में बैठने के बाद कितना डर लगता है। नॉस ऑफ डेविल इक्वेडोर। पहाड़ों पे गाड़ी तो आप शायद चला सकते हो, सकड़े एजिस पे भी चला सकते हो, लेकिन यह ट्रेन जिस तरीके से चलती है 12 किलोमीटर में यह ट्रेन 500 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ती है प्लस शार्प एजिस से गुजरती है। इस ट्रेन में बैठे यात्रियों को हर पल यह डर सताता है कि उनकी ट्रेन शायद एजिस पे से नीचे गिर जाएगी। यह ट्रेन बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि इस ट्रेन को ऊंचाई भी ज़्यादा पार करनी पड़ती है। इस रूट को बनाने में भी उतना ही कठिनाई हुई थी। इस रूट को बनाने में तकरीबन 2000 से ज़्यादा कैदियों ने अपनी जान गंवा दी। इसी कारण से शायद इस रूट का नाम डेविल पड़ा।